वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेमचंद यादव की पुण्यतिथि पर दुर्ग के युवा मोर्चा ने किया वृद्धाश्रम में फलों का वितरण। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्ग के 3 बार विधायक रहे जननायक स्वर्गीय हेमचंद यादव की चतुर्थी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में जाकर फलों का वितरण किया और हेमचंद यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि यादव जी प्रदेश के सर्वमान्य नेता थे, जिनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व से पक्ष विपक्ष सभी प्रभावित रहते थे। ऐसे जन नेता को भूल पाना आसान नहीं है। उनके दिखाए मार्गों पर युवा मोर्चा चलकर उनके सपनों को पूरा करेगा। फल वितरण के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग जिला द्वारा हम सबके लाडले नेता स्वर्गीय हेमचंद यादव जी की चौथी पुण्यतिथि पर आज वृद्धाश्रम में फल का वितरण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और युवा मोर्चा स्वर्गीय हेमचंद भैया के दिखाए मार्ग पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगा। इसी तारतम्य में आज हमने वृद्धाश्रम में फल वितरण का प्रोग्राम रखा था और वृद्धजनों से भी आशीर्वाद प्राप्त किया है और हम हेमचंद भैया के दिखाए मार्ग पर चलकर निश्चित ही 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।